तो आइए अभी हम जानते हैं इस दोनों मशीन का डिफरेंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैक पैक ब्रश कटर और ये जो देख रहे हैं साइड पैक ब्रश कटर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये मशीन हमने पीठ के ऊपर लेकर इसे कहीं भी इजीली चला सकते हैं और कोई भी अनाज काटने में आपको आसानी होगी। जैसे आपको धान गेहूँ सोयाबीन जैसा फसलों का कटिंग करने में इस मशीन से सुविधा होगा। तो आइए आप जानते हैं साइड पैक ब्रश कटर के बारे में। ये जो साइड पैक ब्रश कटर है आप इसे एक साइड कंधे में झुला के इसे काम कर सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इससे आप कंटिन्यू जो है कि आपको हमने बताया बैक पैक में गेहूँ सोयाबीन धान ये सब कंटिन्यू उसमें काट सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो कि इसमें आप कंटिन्यू धान गेहूँ या सोयाबीन जैसे फसलों को कंटिन्यू इससे आप नहीं काट सकते। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो तरह के ब्रश कटर मशीन है और एक हमारे पास 4 स्टॉक एक 2 स्टॉक ब्रश कटर मशीन है। उसका आज डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आइए पहले हम 4 स्टॉक का बात करते हैं। ये 4 स्टॉक जो ब्रश कटर है इसका 35 cc इंजन होता है और 1.2 HP का। और इसमें आपका मोबिल चैम्बर अलग होता है और इसका जो 4 स्टॉक मशीन है इसको स्टार्ट करने में इजी होता है, इसमें मेंटेनेंस कम होता है। तो आप जानते हैं 2 स्टॉक के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 स्टॉक जो मशीन है इसमें आपका पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल मिक्स करके डालना पड़ता है और इसका इंजन पावर है 52 cc यानी कि 2.2 HP। तो जैसे कि आपको बताया हमने 4 स्टॉक में 35 cc, इसमें 2 स्टॉक में हमने बताया 52 cc। तो 4 स्टॉक से 2 स्टॉक में पावर ज़्यादा होता है क्योंकि ये जो पेट्रोल है इसमें टूटी ऑयल मिलाने से ही पावर बढ़ जाता है और 4 स्टॉक में मोबिल चैम्बर अलग है, पेट्रोल टैंक अलग है और इसमें 4 स्टॉक में मेंटेनेंस कम भी होता है आपको बताया हमने। 2 स्टॉक में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है और इसे जो 2 स्टॉक मशीन है इसमें थोड़ा हल्का वाइब्रेट करता है, 4 स्टॉक एकदम स्मूथली चलता है। 2 स्टॉक में पावर इसलिए ज़्यादा होता है उसका जो पिस्टन हेड होता है थोड़ा 4 स्टॉक से बड़ा होता है और जो 4 स्टॉक है उसका पिस्टन थोड़ा छोटा होता है, इसके कारण 2 स्टॉक में पावर ज़्यादा मिलता है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा 4 स्टॉक ब्रश कटर में क्या डिफरेंस है, 2 स्टॉक में क्या डिफरेंस है और बैक पैक में क्या डिफरेंस है। यदि कोई भी आप ब्रश कटर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मशीन के साथ।